नौजवानों को सुबह ही हो गया था दिल्ली पुलिस के एक्शन का अंदेशा। जंतर मंतर धरने पर बैठे पहलवानों और उनके समर्थकों को रविवार सुबह ही पुलिस की कार्यवाही का अंदेशा हो गया था। सुबह से ही धरना स्थल व उसके आसपास भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किया गया था। पुलिस ने धरना स्थल की तरफ जाने वाले सारे रास्तों पर बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। पुलिस ने नहीं दी नए संसद जाने की अनुमति। जनपद बाजार और जनपद मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस ने समर्थकों को रोक दिया। यहां पर पहलवानों के समर्थकों ने केंद्र सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने किसी को भी नए संसद और जंतर मंतर जाने की अनुमति नहीं दी। पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को धरने से हटाने के बाद पुलिस ने टेंट में बैठे समर्थकों को बाहर आने के लिए कहा। इस पर समर्थकों ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक सभी को बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया। इस दौरान धरना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने धरना स्थल पर लगे टेंट उखाड़ फेंके। धरने पर आई महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तब महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया। पुलिस ने धरना स्थल पर लगे टेंट को भी उखाड़ दिया। हरियाणा, यूपी, पंजाब समेत 5 राज्य आने थे। समर्थक पहलवानों ने नई संसद के सामने रविवार को महिला महापंचायत करने का फैसला किया था। महापंचायत भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर होनी थी। महिला महापंचायत में हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली की खापों के लोग और किसान शामिल होने वाले थे। कई बड़े नेता व हस्तियों ने किया धरने का समर्थन। पिछले दिनों खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर विभिन्न पार्टियों के कई बड़े नेता और अन्य हस्तियां धरना स्थल पर पहुंची। राजनीतिक पार्टियों को किया था आमंत्रित। इनमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सचिन पायलट, किसान नेता राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, रालोद के नेता जयंत चौधरी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित अन्य लोग शामिल थे। पहलवानों ने दूसरी बार शुरू किए गए धरने पर समर्थन के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया था।